ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गरम या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो जयाणं, नमो लोए सर्वसाहूणं, एषु वञ्चिनुकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेशिं, परमं भवैमंगलं, मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलम सूर्य भद्राद्या, जैनो धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार। नानदान क्रियाशील तपस्यागे सुग्रलका, भक्ति सूर्य आचार्य, प्रेम सूर्य आचार्य, जयंतु जैन शासने, अज्ञानदम निरंदनम जब दूसरी बार ये घटना घटित होगी आप निश्चित उठ जाओगे। सेल्फ रिफॉर्मेशन, इसको हिंदी में कहते हैं आत्म सुधार। आत्म सुधार के लिए क्रोध बहुत जरूरी है। कभी कभी जीवन में ऐसी चीज होती है जो हम नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, लेकिन किसी ने हमें यदि चैलेंज कर दिया और ये तेरे से नहीं होने वाला है, हम निश्चित कर लेंगे। मेरे जीवन में भी कई ऐसी चीजें थी जो मैं नहीं कर पाता था, लेकिन किसी ने यदि चैलेंज कर दिया, अंदर से गुस्सा आता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं निश्चित कर लूंगा। और ये जो गुस्सा अंदर से आता है, जो लावा अंदर से आता है, वो आपको आगे लेकर जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कहीं कहीं गुस्सा फायदा कारक भी है, सब जगह हानिकारक नहीं है। नंबर वन, सेल्फ रिफॉर्मेशन के लिए गुस्सा बहुत फायदेमंद है। आपका काम नहीं हो रहा है, आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन एक धक्का ऐसा लग जाता है, आदमी सीधा हो जाता है। जीवन में मैंने कई ऐसे लोग देखे जो धर्म को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे, गुरु को नहीं मानते थे, धर्म स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं मानते थे, लेकिन एक झटका ऐसा लग गया, अब मानने लग गए, नहीं धर्म तो है, नहीं भगवान तो है। सेल्फ रिफॉर्मेशन, आत्म सुधार, और आत्म सुधार के लिए क्रोध बहुत फायदेमंद होता है। दूसरे नंबर में कहा रिफॉर्म टू अदर्स, दूसरों को सुधारने के लिए भी क्रोध फायदेमंद होता है। कभी कभी आपने देखा होगा शायद ऐसा दृश्य, साधु तो समता के महासागर कहे गए, साधु के जीवन में कभी क्रोध होता नहीं है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि गुरु अपने छोटे शिष्य को डांट रहे होंगे, कभी कभी आपने देखा होगा गुरु अपने छोटे शिष्य को मार रहे होंगे, कभी कभी आपने देखा होगा वो हाथ भी उठा रहे होंगे, वो लाफा भी मार रहे होंगे, लेकिन ये किसके लिए? रिफॉर्म टू अधर, दूसरों को सुधारने के लिए भी क्रोध बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके कभी कभी लोग सुधरते नहीं है, कभी कभी लोग समझते नहीं है, कभी कभी लोगों के बाद समझ में आती नहीं है। और इसीलिए कहा गया कि माता पिता बच्चों को सुधारने के लिए जो क्रोध करते हैं वो जरूरी है, वो फायदेमंद है, वो नुकसानकारक नहीं है, क्योंकि उनके भीतर में उसके नुकसान की भावना नहीं है, उसके भीतर में उसको आगे ले जाने की भावना है, उसको आगे बढ़ाने की भावना है, उसके लिए ये क्रोध फायदेमंद है। गुरु शिष्य पर जो क्रोध करते हैं वो क्रोध नुकसानमंद नहीं है, वो फायदेमंद है, क्योंकि वहीं से शिष्य आगे बढ़ता है, वहीं से शिष्य को मार्ग मिलता है, वहीं से शिष्य को रास्ता मिलता है, वहीं से शिष्य आगे बढ़ने लगता है, इसलिए वो फायदेमंद है। टीचर जब स्टूडेंट को पीटते हैं, उसको मारते हैं, उस पर हाथ उठाते हैं, वो उसके फायदे के लिए उठाते हैं। रिफॉर्म टू अदर, दूसरों को सुधारने के लिए भी क्रोध बहुत फायदेमंद होता है। आत्म सुधार के लिए तो है ये, एक झटका लग जाता है, जीवन में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन दूसरों को सुधारने के लिए, रिफॉर्म टू अदर, दूसरों को सुधारने के लिए भी क्रोध बहुत फायदेमंद होता है। और तीसरी चीज, क्रोध तीसरा कहां फायदेमंद होता है? डिफेंड धर्मा, धर्म की रक्षा के लिए भी क्रोध जरूरी है।
और इसीलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने लिख दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां दुष्टार्थाय च दण्डजं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण जी ने कह दिया परित्राणाय साधूनां दुष्टार्थाय च दण्डजं, दुष्ट को दंड देने के लिए मैं हर युग में प्रकट हो जाऊंगा, साधु की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, सज्जनों की रक्षा जरूरी है तो दुष्टों को दंड देना भी जरूरी है। और इसलिए गुरुदेव प्रेम श्री सूजी महाराज साहब हर हमेशा कहते थे, जब खुद की बात हो तो सहन कर लो, बहुत गोल्डन सूत्र है हमारे जीवन के लिए, जब खुद की अकेले की बात हो तो सहन कर लो, लेकिन धर्म की बात हो, समाज की बात हो, संस्था की बात हो, संघ की बात हो, समुदाय की बात हो तो सहन नहीं करना है, हमें प्रतिकार करना ही है, वरना हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, वरना हमारा संघ खत्म हो जाएगा, वरना हमारा समाज खत्म हो जाएगा, वरना हमारी परंपराएं खत्म हो जाएगी, वरना हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। जब अपने पर आए तो सहन कर लो, लेकिन सामूहिक रूप से जब हमारे संघ पर आता है, जब हमारे धर्म पर आता है, जब हमारे समाज पर आता है, जब हमारी परंपरा पर आता है, जब हमारे देश पर आता है, जब हमारी संस्कृति पर आता है तो सहन नहीं करना है, डिफेंड धर्मा। धर्मों को बचाने के लिए भी क्रोध जरूरी है, बिना उसके ये दुष्ट लोग समझते नहीं है। और इसी बात को लेकर कहावत बनी थी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। धर्म को यदि डिफेंड करना है, धर्म को यदि बचाना है, अन्याय को यदि रोकना है, निश्चित क्रोध करना पड़ेगा। और इसीलिए श्री कृष्ण जी जैसे एक अद्भुत महान पुरुष ने कह दिया, संभवामि युगे युगे दुष्टार्थाय च दण्डजम्। हमारे यहां पर भी कहा गया, दुष्टस्य दंडम सुजनस्य सेवा। और इसीलिए गुरुदेव प्रेम श्री सूजी महाराज साहब कई बार कहते थे, हमारे साधु के हाथ में जो डंडा दिया है ना, वो डंडा मात्र हमारी रक्षा के लिए नहीं है, दुष्टों के दंड के लिए भी है। जब जब धर्म को जरूरत पड़ेगी, जब जब समाज को जरूरत पड़ेगी, साधु आगे आएगा। और ये तीन चीज के लिए क्रोध बहुत अच्छा होता है, सेल्फ रिफॉर्मेशन के लिए, आत्म सुधार के लिए क्रोध बहुत अच्छा है। रिफॉर्म टू अदर, दूसरों को सुधारने के लिए क्रोध बहुत अच्छा है। डिफेंड धर्मा, धर्मों को बचाने के लिए भी क्रोध बहुत अच्छा है। ये तीन जगह पर क्रोध करोगे तो फायदा ही फायदा है, नुकसान होने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज समझ लेना, क्रोध जब जब भी करो रेगुलेटर अपने हाथ में होना चाहिए। हम क्या करते हैं, क्रोध करते हैं लेकिन रेगुलेटर हमारा छूट जाता है। रेगुलेटर तो हमारे हाथ में होना चाहिए, तब क्रोध करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है हनुमान जी जब लंका जलाने के लिए गए थे, बहुत क्रोधित थे, बहुत भयंकर क्रोधित थे, भयानक क्रोध में थे, लेकिन रेगुलेटर खुद के हाथ में था और पूरी लंका को जला दिया, लेकिन विभीषण के घर को नहीं जलाया और सीता जिसमें थी वो पंचवटी को नहीं जलाया, बाकी पूरी लंका को जला दिया। ये कब कर पाए, जब रेगुलेटर खुद के हाथ में था। मैं यही कहना चाहता हूं, क्रोध करो उसकी दिक्कत नहीं है, रेगुलेटर खुद के हाथ में रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेगुलेटर आपके हाथ में नहीं है, अनकंट्रोलेबल हो गया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, रेगुलेटर हमारे हाथ में होना ही चाहिए तो ही हम बच पाएंगे। कहते ये तो हो गई क्रोध कहां करना, लेकिन इसके अलावा भी हम कई जगह पर क्रोध कर लेते हैं। न उसमें आत्म सुधार की बात होती है, न उसमें दूसरों को सुधारने की बात होती है, न उसमें धर्मों को बचाने की बात होती है, फिर भी हमें क्रोध आ जाता है। और इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, तीन तरह के लोग को क्रोध बहुत जल्दी आता है। बहुत सारी बात आज क्रोध के सब्जेक्ट में मुझे आपके सामने रखनी है। तीन तरह के लोगों को क्रोध बहुत जल्दी आता है, चेक कर लेना इसमें कहीं हमारा नंबर तो नहीं है ना। यदि इसमें आपका नंबर है, आपको क्रोध आता ही आता होगा, एक बार देख लेना, खुद के जीवन को देख चेक कर लेना, तराश लेना। सबसे पहले नंबर में जो कंट्रोल फ्लिक्स लोग होते हैं, यानी कि जो नियंत्रणवादी लोग होते हैं, जो सबको नियंत्रण में रखना चाहते हैं, उन लोगों को क्रोध बहुत जल्दी आता है। जो सोचते कि नहीं, घर मेरे नियंत्रण में चलना चाहिए, परिवार मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, पुत्र मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, पत्नी मेरे नियंत्रण में होनी चाहिए, सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, धंधा मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, ऐसी जो विचारधारा वाले लोग हैं ना, उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। वो तो वहां तक सोचते कि गवर्नमेंट भी मेरे नियंत्रण से चले, सब कुछ मेरे नियंत्रण में, अंडर कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ,
सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाए, मैं सबको कंट्रोल कर लूं। ऐसे जो कंट्रोल फ्रिक्स लोग दुनिया में बहुत है, उनका चलता कुछ नहीं है लेकिन हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि मैं सबको नियंत्रित कर लूं, मैं सबको कंट्रोल में कर लूं। ऐसे जितने भी कंट्रोल फ्रिक्स लोग हैं ना, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि एक चीज समझ लेना, आप सोचते हो आपका बच्चा आपके नियंत्रण में रहे, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाएगा वो नियंत्रण में रहेगा नहीं, वो आपकी बात सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो अनसुनी कर देगा, आपकी बात को स्वीकार करेगा तो करेगा वरना नहीं भी करेगा, वो आपके हाथ में रहेगा नहीं। और जब आपके हाथ में रहेगा नहीं, आपको भयानक क्रोध आएगा। बच्चा 10 साल का था, 12 साल का था, 14 साल का था, तब तक तो कंट्रोल में रह गया, वो नियंत्रण में रह गया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे उसमें समझ डेवलप होती जाएगी, उसमें बुद्धि आती जाएगी, उसको संसार की समझ पड़ती जाएगी, वैसे वैसे वो आपके कंट्रोल में से बाहर निकलता जाएगा। और जब आपको आदत पड़ गई है सबको कंट्रोल में रखने की, आपकी आदत हो गई है सबको मैं कंट्रोल में कर लूं, ये आदत आपकी जाएगी नहीं, आप क्रोधित हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, कोई आपका सुनेगा नहीं। और दिक्कत तो तब होती है जब हम बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करने की आदत जाती नहीं है। 80 साल हो गए फिर भी हम सोचते हैं कि घर के सब काम मुझे पूछकर ही किए जाए, घर के सब काम मेरे हिसाब से ही होते चले, घर के सब काम को मैं ही करूं। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब ये कंट्रोल की आदत जाती नहीं है, और जाती नहीं है तो बहुत बड़ी परेशानी आती है। हम अहमदाबाद में थे, एक अंकल आए, करीबन 70-75 साल की उम्र होगी, बड़े धार्मिक थे, बड़े श्रद्धालु थे। आए ना बड़े महाराज साहब को, गुरु जी को फरियाद करने लगे, महाराज साहब अब मेरे बेटे को कुछ तो समझाओ, मेरा सम्मान जैसा कुछ रखता ही नहीं, मैं कैसे जीवन जीऊं, किसी के भी सामने मुझे कुछ भी बोल देता है, मुझे उतार देता है, कुछ भी कर देता है, मेरे सामने कैसा भी बर्ताव कर लेता है। दूसरे दिन महाराज साहब ने बेटों को बुलाया, क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते थे दो बाजू की बात को सुनकर ही निर्णय लेना चाहिए। बेटे को बुलाया, बेटा पिताजी ऐसी फरियाद करते आपके लिए अच्छी बात नहीं है, इतनी बड़ी उम्र है आप उसका सम्मान नहीं रखते, आप उनकी इज्जत नहीं रखते, ऐसा कैसे चलता है। बेटे ने कहा महाराज साहब मैं दो हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके सामने कह रहा हूं उनको धर्म में जितने पैसे खर्चने हो हर महीने उनको मिल जाएंगे, वो महीने के 30 दिन नए कपड़े पहने तो भी दिक्कत नहीं है, वो भी उनको मिल जाएंगे, उनको जितने पैसे खर्चने हो छुट्टी, उनको जितने कपड़े नए पहनने हो छुट्टी, उनको जो खाना चाहिए 3 टाइम हम दे देंगे। वो कहते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना इतना खर्चा होगा, वो भी परमिशन, कोई परमिशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाराज साहब उनको इतना बोल दो कि व्यवहार में हर जगह माथा पच्ची नहीं करें। क्या हम घर में भी होते तो ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, और इसके चक्कर में महाराज साहब हमें उनका अपमान कर लेना पड़ता है, हम उनके सामने बोल जाते, क्रोध आ जाता है, क्या करें। ये जो कंट्रोल करने की आपकी आदत होती है ना, ये यदि बुढ़ापे में निकली नहीं ना, बुढ़ापा आपका नरक बन जाएगा, घर के बच्चे आपको संभालने के लिए रेडी नहीं होंगे, ये आदत निकालनी पड़ेगी। और इसीलिए कहा कि सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है, जो कंट्रोल फ्रिक्स लोग हैं, और किसी को आए ना आए निश्चित उनको तो गुस्सा आता ही है। दूसरे नंबर में कहते हैं जो एंजॉयमेंट मैनियाक, यानी कि जिसको हर चीज में मजा चाहिए। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब मंदिर जाए तो भी मजा आना चाहिए, उपवास करे तो भी मजा आना चाहिए। अरे भाई उपवास में मजा नहीं आता है, वहां तो सजा होती है। जिसको हर चीज में मजा चाहिए, एंजॉयमेंट में नहीं आता, जो हर जगह मजा ढूंढते हैं उनको भी क्रोध बहुत जल्दी आता है, उनको भी क्रोध लगातार आते रहता है, बार 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 आते रहता है, जहां उनकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, जहां उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, जहां उनको मजा नहीं आएगी, उनको क्रोध आ जाएगा। हर चीज में मजा ढूंढने की आदत है। और एक चीज समझ लेना, शास्त्रकार भगवंत ने कहा है बहुत मजा 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 करोगे ना फिर सजा आपके लिए तैयारी है, टेंशन नहीं करना। जो जीवन में बहुत मजा 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 ढूंढते रहता है उसके लिए जीवन के बाद में सजा तैयारी है, उसके लिए कहना है। जो इस तरह के लोग होते हैं एंजॉयमेंट मैनियाक,
जो हमेशा आनंद ढूंढते रहते हैं। अंदर का आनंद ढूंढना वो अलग चीज है, वो तो शास्त्रकार भगवंतों ने भी कहा, प्रसन्नता को खोजो, अंदर की मस्ती को खोजो, भीतर के आनंद को खोजो। लेकिन चीज में जो हर जगह पर मजा ढूंढते रहते हैं उनको भी बहुत जल्दी क्रोध आता है। और तीसरे नंबर में कहते हैं जो बहुत ज्यादा परफेक्ट निष्ठ होते हैं, जो परफेक्ट निष्ठ होते हैं, जिसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, उनको भी बहुत जल्दी क्रोध आता है। जो कहते हैं कि नहीं, हमारी हर चीज परफेक्ट होगी, बिना उसके चलेगा ही नहीं, 19-20 वाली बात कर रही नहीं, हर चीज में हमें परफेक्शन चाहिए। जो बहुत परफेक्शन वाले होते हैं उनको भी बहुत जल्दी क्रोध आता है। एक लड़की थी और उसने एक देव की आराधना की, देव की आराधना की तो देव प्रसन्न हुए, कहा बोलो माता जी आपको क्या चाहिए। कहा के और कुछ नहीं चाहिए, मेरी शादी नहीं होती, एक अच्छा लड़का चाहिए। आजकल भी लोग देव की इसलिए आराधना करते हैं शादी नहीं होती। देव ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये बाजू में बिल्डिंग है खाली पड़ी हुई है, 5 माले की बिल्डिंग है, आप 5 माले पर जब जब आप चढ़ोगे एक एक लड़का आपके सामने आएगा, 5 में से कोई भी एक पसंद कर लेना, आपकी उसके साथ शादी हो जाएगी। लड़की आनंदित हो गई कि एक नहीं मिल रहा था, 5 एक साथ मिल रहे, बढ़िया है। पहले फ्लोर पर गई तो देखा बहुत गरीब सा लड़का था, हेल्दी नहीं था, दिखने में अच्छा नहीं था और संपत्ति भी उसके पास नहीं थी। उसने कहा कि नहीं ये तो नहीं चलेगा, और ऊपर जाते और 4 ऑप्शन है अपने पास, कहां दिक्कत है। ठंडी चाय, हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।